ये हमें मारने की धमकी देती है, वहाँ बार बार मारने की धमकी देती है। देखो मियाँ, हमारा हिजड़ा 4 दिन से गायब है, हमेशा इतनी नाजायजी बंद कर रही है ये। बारा जिले में किन्नरों ने कोतवाली थाने पर जमकर हंगामा किया। दरअसल खुशबू किन्नर और मध्य प्रदेश के नीमच से आई किन्नर लता ने बारा पर अपना अधिकार जताते हुए अपने अपने एक दर्जन से अधिक साथी किन्नरों के साथ कोतवाली थाने में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के किन्नरों ने करीब 1 घंटे तक ताली बजा बजा कर एक दूसरे पर अपना अधिकार क्षेत्र हड़पने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश से अपने साथी किन्नरों के साथ आई लता किन्नर ने बताया कि बारा को उसके गुरु ने उसे दिया है, इसलिए जीते जी बारा की मालिक वह है, खुशबू का कोई अधिकार यहाँ नहीं है। मामला मेरा, ऐसा मालिक हूँ मैं चाहूँ जिसको रखूँ, मैं खुद रहूँगी, खुद मांगूंगी, खुद फिरूंगी, जिस जबान से सब जानते मुझे, पूरी बारा जानती है। हमने लिख के दिया जीते जी मालिक मेरे पीछे, हम मरने गए जिंदा है अभी, मैं खुद मांगूंगी बारा में रहूँगी, मकान ले रही हूँ। बारा में मुझे 40 साल हो गए, मेरी गुरु दिख के दे गई, विवाद आ रहा है, इनका धमकी देते मुझे गोली मरवा दूंगा फला कचेले। लता नायक जी की शिष्या बोल रही हूँ, यह हिजड़े हमारे ऊपर इंजाम टोकते हैं, हमारे बात आदत है बारा के, हमारे जिले है, हम मालिक है, ये मालिक नहीं है। वहीं किन्नर खुशबू ने बताया कि लता एमपी के नीमच में रहती है, जो 40 वर्ष से वही रह रही है, उसने बारा का मालिकाना अधिकार उसे संभलाकर लिखित में दिया हुआ है। मैं राजस्थान बारा से खुशबू आंटी किन्नर, राजस्थान बारा से, इससे पहले ही वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ चुकी, पूरे बारा का बच्चा से बच्चा पता है ना, समझिए ये है नीमच का एमपी का हिजड़ा, एमपी का है। बारा में रहते हैं, इससे ये कह रहे हैं कागज है तो कागज दिखाओ, मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी। कागज मेरे पास 40 साल का कागज मैं लिख के दे चुकी हूँ, 40 साल से कागज ये हमारे नाम सुब्रत कर चुकी है, और 40 लाख एक बार ले चुकी है, और 30 लाख एक बार ले चुकी है, ये लिखने के लिए है। ये हमारी मालिक है, ये हमारी मालिक है, ये तो नीमच का है, राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का जरा होता तो राजस्थान में रहता। आज 40 साल पहले, 40 साल से यहाँ पे मैं बारा में रह रही हूँ, बारा में हमें घुमा दो, इससे घुमा दो, इससे कौन जानता है कौन नहीं जानता है। ये हमें मारने की धमकी देती है, वहाँ बार बार मारने की धमकी देती है, फलाना करती, निकाना करती, गुंडे पर मार दिवाती है कि मरवा दूंगी, फलाना करवा दूं। मामला कुछ भी नहीं है, लता आंटी और केलवाड़ा वाली नीलू का मामला है। इन्होंने इतना परेशान कर रखा है खुशबू आंटी को 40 लाख रुपए में, एक बार तो 40 लाख रुपए में इन्होंने बारा बेची, खुशबू आंटी ने 40 लाख रुपए नगद गिन के दिए। मेरे सामने की बात है, मेरा मकान गिरवी रख के 20 लाख रुपए तो मैंने दिए खुशबू आंटी को, उस टाइम पर तेल फैक्ट्री का मकान रखकर 40 लाख रुपए में एक बार दिया। उसके बाद में 2016 में इनका फैसला हुआ था 40 लाख रुपए देने के बाद, आज से 3 साल पहले नरेश पेत्रा के सामने, अपने जो उपचेयरमैन रह चुके हैं उनके सामने, और न्याय कोर्ट में यहाँ पर दोबारा फिर फैसला हुआ, जब 30 लाख रुपए इन्होंने खुशबू आंटी ने इनको लता आंटी को दिए बारह के। फिर भी बात हर महीने 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हर महीने बारह में आज भी लेके जाती है, मेरे पास में कैमरों की गवाही है, जिसके बदले वह लता को अब तक 2 बार में 70 लाख रुपए दे चुकी है, और अभी भी हर महीने रुपए व राशन देती है। लता अब बारा पर कोई अधिकार नहीं रखती, हर महीने यहाँ से पैसा लेके जाती है, राशन लेके जाती है, 40-40 किलो शक्कर, 20-20 किलो, 30-30 किलो गेहूँ, कपड़ों के पोटले, ये हम भर भर के इनकी गाड़ियों में भरते हैं, हर चीज में। अभी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पहले यहाँ से 4 लाख रुपए लेके गई है, जितना पैसा आता हमारे सामने देती है, राशन, गोड़ी, चावल, कपड़ा लत्ता सब इकट्ठे कर करके इनकी गाड़ी में हम रखते, कैमरों की फुटेज है, लिखा पड़ी है, पैसों का दस्तावेज है। 1.5 साल पहले भी इनका लफड़ा हुआ था, जिसके बाद भी यहाँ पे फैसला हुआ था। लता पर उनके एक साथी किन्नर को किडनैप करने का भी आरोप लगाया है। देखो मियाँ, हमारा हिजड़ा 4 दिन से गायब है, अगर मेरे हिजड़े को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार लता आंटी नीलू किन्नर, ये जितने लता आंटी नीलू किन्नर के जितने सारे भाई जिम्मेदार है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए, हमारी एक चला है अंजलि, वो 4 दिन से गायब है,
चार दिन से गायब है और पता नहीं कहाँ गई, क्या किया। अंजलि हमारी गायब है चार दिन से। लता आंटी ने किडनैप कराया उसे, अब उसका क्या अंजाम होता है वो आगे बताएगी। हमेशा इतनी नाजायजी बंद कर रही है ये कि अब चार दिन से हमारे इनके साथ में एक चेला और रहती थी इनकी अंजलि, इनकी दो चेला, एक तो ये अंजलि है और एक जानू है, जिसमें से चार दिन से अंजलि गायब है यहाँ से बारह से। उनकी जिम्मेदार नीलू है और लता आंटी है। कोतवाली सीआई रामविलास मीणा ने दोनों पार्टियों में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन बाद में लता अब बारा में ही मकान खरीद कर वहां रहने की बात करते हुए बिना समझौता किए ही अपने साथी किन्नरों को लेकर थाने से चली गई, जिससे फिलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया। ये